नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और रोसी डुसेन की तूफानी बल्लेबाजी ने टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना चकनाचूर कर दिया। यह रिकॉर्ड होता T20 इंटरनेशनल में लगातार 13वीं जीत का। खैर, ये तो बात हुई क्रिकेट की। हार जीत का एक और फैसला आज राज्यसभा चुनावों में होगा। सीटें तो 57 हैं, लेकिन असली मुकाबला 16 सीटों पर होगा, क्योंकि 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में सीटों से ज्यादा प्रत्याशी हो गए हैं। ऐसे में जोड़तार के खेल में भाजपा जीतेगी या कांग्रेस, फैसला आज हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में देश दुनिया की बड़ी खबरें पढ़िए मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर होगी नजर। 5 बड़ी खबरें जो आपको अपडेट रखेंगी। 1-212 का टारगेट देने के बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाया भारत। डुसेन मिलर ने जीत। अफ्रीका ने पहले T20 मुकाबले भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने ईशान किशन की 48 बॉल पर 76 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने डेविड मिलर के 64 और रेसी डुसेन 75 की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया के मुंह से जीत छीन ली। इस हार के साथ लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम होने का रिकॉर्ड बनाने से भारत चूक गया। पढ़ें पूरी खबर। 2. राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर वोटिंग आज 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव। राज्यसभा की 57 में से 16 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा की 16 सीटों पर कांटे का मुकाबला है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपी ठाकरे सरकार के 2 मंत्री वोट नहीं डाल पाएंगे। इधर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 21 जुलाई को रिजल्ट आएगा। पढ़ें पूरी खबर। 3. गिरफ्तार हो सकती है नूपुर शर्मा। ओवैसी और यति नरसिम्हानंद समेत 32 लोगों पर भी फ पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा गिरफ्तार हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हेट स्पीच मामले में 2 और फरजुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिम्हानंद समेत 32 लोगों पर भी किया गया है। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने भी नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा को 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। पढ़ें पूरी खबर। 4. राहुल गांधी 13 जून को एड के सामने पेश होंगे। कांग्रेस नेताओं के साथ पैदल ही जाएंगे ऑफिस। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में एड ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन एड के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान जारी कर दिया है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकी हैं। पढ़ें पूरी खबर। 5. एमपी और अप में 15 जून के बाद पहुंचेगा मानसून। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों को मानसून की बारिश के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। यह 44 से 46 डिग्री के बीच रहा। 15 जून के बाद इन राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मानसून महाराष्ट्र पहुंचने की आशंका जताई है। पढ़ें पूरी खबर। कुछ अहम खबरें हेडलाइन में। खबर लेकिन कुछ हटके। दुल्हन ने अकेले लिए 7 फेरे, क्योंकि दूल्हा भी वही थी। खुद अपनी मांग भी भरी। गुजरात के वडोदरा की 24 साल की क्षमा बिंदु ने बुधवार को खुद से शादी कर ली। इस दौरान हल्दी, मेहंदी की रस्में हुई। अकेले फेरे भी लिए और आईने के सामने खड़े होकर मांग भी भरी। खुद ही मंगलसूत्र पहना। किसी पंडित के तैयार न होने पर मोबाइल पर मंत्रोच्चार हुआ। क्षमा का इस आत्मविवाह को लेकर कहना है, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से ही शादी करने का फैसला किया। शायद अपने देश में मैं सेल्फ लव का एक उदाहरण सेट करने वाली पहली लड़की हूँ। पढ़ें पूरी खबर। खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं। फोटो जो खुद में खबर है। देशभर में शुक्रवार को गंगा दशहरा के शुभ मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार में लाखों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि राजा भागीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को आज के ही दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे। तब से गंगा भारतवर्ष की जीवन रेखा बनी हुई है। आर्थिक मामलों में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आप भी जानिए अपना राशिफल। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए दैनिक भास्कर ऐप, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ को और बेहतर बनाने के लिए हमें आपका फीडबैक चाहिए। इसके लिए यहाँ क्लिक करें।